अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन एक डिफरेंट तरह से मतलब बहुत तरह से अलग है दूसरी यूनियन यूनियन से, इसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि यहाँ पे कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो इस वजह से डेफिनेटली उसका वॉइस का इम्प्लीकेशन, उसका वॉइस का इसकी एक कॉपी और बना दें, इसका इस वजह से इसका जो है वॉइस एम्प्लीफाई नहीं हो पाता, क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, पार्टी का सपोर्ट नहीं है, पार्टी का फंडिंग नहीं है, तो स्टूडेंट्स की जो भी मूवमेंट है वो अपनी इंडिजिनस मूवमेंट है, अपनी मूवमेंट है, पोटेंशियल मूवमेंट है। जहाँ तक आप नेशनल इश्यूज की बात करते हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की ये तारीफ रही है, हमेशा से यूनियन के मुद्दे यहाँ पे उठे हैं, नेशनल इश्यूज पे बात हुई है, यूनियन ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजी है, हर जगह कमेटी भेजी है। ये बात है कि पिछले साल आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसे देश में हालात हुए, एट्रोसिटीज हुई, जिसमें यहाँ से एक आवाज़ नहीं उठ कर आई, उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि हमारी यूनियन नहीं थी लास्ट ईयर, यूनियन ना होने की वजह से स्टूडेंट्स मोबिलाइज नहीं हो पाते, स्टूडेंट्स को डायरेक्शन नहीं मिलती है, सिस्टमेटिक कंपेन नहीं शुरू होता है, तो यूनियन का होना जरूरी है ताकि यूनियन इस बात को एम्प्लीफाई कर पाए, नेशनल इंटरनेशनल इश्यू को सेंसिटाइज करें, और ये करना चाहिए। और कुछ प्रॉब्लम्स हमारे अपनी यूनिवर्सिटी के ये भी है कि हम अपने प्रॉब्लम्स भी इतने सारे इन्वॉल्व, जैसे कि हमारा माइनॉरिटी इश्यूज है जिसमें हम खुद फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए ये मेरा मानना है कि आगे जो भी लीडर्स हैं वो इस तरह की कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में आए, नेशनल इंटरनेशनल इश्यू को वो उठाए, कैंपस में सेंसिटाइज करें और दूसरी बाहर भी सेंसिटाइज करें, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन है, पीपल लुक एट अस, लोग हम पे देखते हैं, मुस्लिम जितने भी है भारत में यूनियन को एक देखते हैं, एक नर्सरी मानी जाती है कि यहाँ से अच्छे अच्छे लीडर्स उनको मिले, देश को मिले और वो देश के भले के लिए काम करें, इंडिया शुड डू मच। जिस तरीके से जेएनयू एसयू कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट हब कहा जा सकता है कम्युनिज्म आइडियोलॉजी के लिए, तो क्या एमयू का कैरेक्टर उस तरीके से डिफाइन नहीं हो सकता? ये नहीं हो सकता डिफाइन, इसका एक रीज़न ये है कि यहाँ पे कोई भी कोई लेफ्ट नहीं है, कोई राइट नहीं है, कोई बीजेपी से एसोसिएटेड नहीं है, कोई कांग्रेस से एसोसिएटेड नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट्स की अपनी एक सोच है, अपनी एक मेरिट है, और बाद में जाके वो कहीं एसोसिएट होते हैं तो दैट्स फाइन, देयर ओन वे, ठीक है, तो इसलिए आप उसको एक जिस तरह से जेएनयू को आपने एक टर्मिनोलॉजी से वो किया, जो कि हालांकि मैं उसको नहीं मानता हूँ कि इस तरह के, वहाँ भी बहुत सारे वॉइसिस है, लेकिन एमयू को आप इस तरह से एक टर्मिनोलॉजी से आप जो है स्पेसिफाई नहीं कर सकते, यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है और यहाँ पे हर कैंडिडेट का अपना एक मिजाज है, हर कैंडिडेट का अपने एक इश्यूज़ है।